इस गाइड में हम आपको एमएक्सएसई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर अल्टीमा टोकन खरीदने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपके वॉलेट के कामकाज के लिए आवश्यक है। पहला स्टेप एमएक्सएसई एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन है। maxi.com पर जाएं। स्क्रीन के दाईं ओर लॉगिन रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में अपना ईमेल या अपनी पसंद का मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें। उसके बाद अगला पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरें। पुष्टि करें कि आप रोबोट नहीं हैं। वेरिफिकेशन पास करने के बाद एक विंडो खुलेगी जहां आपको पासवर्ड सेट करना होगा। इसे दर्ज करें और चेक मार्क पर क्लिक करके शर्तों से सहमत हों। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। निर्दिष्ट ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। इसे अगली विंडो में दर्ज करें और पुष्टि करें पर क्लिक करें। तैयार है, आपने एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दूसरा स्टेप गूगल ऑथेंटिकेटर सेट करना। शुरुआत करने से पहले आपको गूगल ऑथेंटिकेटर सेटअप करना होगा। यह एक्सचेंज के साथ आपके काम को सुरक्षित करेगा। प्रोफाइल टैब पर जाएं, सुरक्षा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का चयन करें। कॉन्फिगर करें बटन पर क्लिक करें। गूगल ऑथेंटिकेटर को लिंक करने के निर्देशों के साथ एक विंडो खुलेगी। अपने स्मार्टफोन पर गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक QR कोड खुलेगा जिसे आपको इंस्टॉल किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके स्कैन करना होगा। ऐसा करने के लिए एप्लीकेशन पर जाएं। पहली स्क्रीन पर गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करें। फिर खुलने वाली विंडो में स्कैन ए QR कोड को चुनें। एक्टिवेशन पेज पर QR कोड को स्कैन करें। आप अपने एप्लीकेशन में MXC एक्सचेंज के लिए कोड देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक कोड के साथ एक SMS आपके मोबाइल फोन या ईमेल पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो इंडिकेट किया था उसके आधार पर इसे प्राप्त करने के लिए कोड प्राप्त करें पर क्लिक करें। पहले फील्ड में प्राप्त कोड दर्ज करें और दूसरे में गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से वर्तमान कोड दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। तैयार है, गूगल ऑथेंटिकेटर सफलतापूर्वक कनेक्ट हो चुका है। तीसरा स्टेप, अपने एक्सचेंज बैलेंस को लोड करें। एक्सचेंज बैलेंस में USDT भेजने के लिए वॉलेट डिपॉजिट पर जाएं। क्रिप्टोकरेंसी की लिस्ट में USDT का चयन करें और जांचें कि सही नेटवर्क चुना गया है। आपके लिए डिपॉजिट एड्रेस को जनरेट करने के लिए एक्सचेंज के लिए डिपॉजिट एड्रेस फील्ड पर क्लिक करें। प्राप्त एड्रेस पर USDT भेजें। कृपया ध्यान दें कि न्यूनतम डिपॉजिट राशि 0.1 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। चौथा स्टेप, अल्टीमा खरीदें। मुख्य पेज पर स्पॉट चुनें। खुलने वाली विंडो में सर्च टैब में उस क्रिप्टोकरेंसी का नाम दर्ज करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। आइए अल्टीमा को सर्च करें। हम देखते हैं कि अल्टीमा USDT पेयर उपलब्ध है। आप अल्टीमा को बाजार अर्थात वर्तमान मूल्य पर खरीद सकते हैं या वांछित मूल्य पर एक लिमिट ऑर्डर को निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान मूल्य पर अल्टीमा खरीदने के लिए मार्केट चुनें। लिमिट के लिए लिमिट विकल्प को चुनें। आप एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं जो आपको अपने ट्रेड को निष्पादित करने की लागत को नियंत्रित करने के लिए एक ही समय में स्टॉप प्राइस और लिमिट प्राइस सेट करने की अनुमति देता है। वांछित ऑर्डर प्रकार का चयन करें। वह कीमत चुनें जिस पर आप अल्टीमा खरीदना चाहते हैं। लिमिट ऑर्डर के मामले में अल्टीमा की मात्रा जिसे आप खरीदना चाहते हैं और अल्टीमा खरीदें बटन पर क्लिक करें। तैयार है, आपने MXC एक्सचेंज पर अल्टीमा खरीदा। अब इन्हें स्मार्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। पांचवा स्टेप, स्मार्ट वॉलेट में अल्टीमा टोकन की निकासी। एक्सचेंज से टोकन भेजने के लिए आपको अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना होगा। ऐसा करने के लिए स्मार्ट वॉलेट ऐप खोलें और अल्टीमा कार्ड पर टैप करें। आपको अपना वॉलेट एड्रेस दिखाई देगा जिसे आप कॉपी आइकन पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। MXC पर लौटें, वॉलेट पर जाएं और निकासी विथड्रॉ चुनें। सर्च बार में अल्टीमा नाम दर्ज करें। कॉपी किया गया वॉलेट एड्रेस और अल्टीमा टोकन की संख्या दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं और भेजें बटन पर क्लिक करें।
एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको ईमेल या मोबाइल फोन द्वारा भेजा गया कोड साथ ही गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन का कोड दर्ज करना होगा। कोड दर्ज करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। अब आपको यह वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा कि यह ऑपरेशन आपने ही किया है। अपना ईमेल जांचें और अपनी निकासी की पुष्टि करें। ऐसा करने के लिए आपको निकासी एड्रेस के अंतिम 4 डिजिट दर्ज करने होंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप 15 मिनट के भीतर निकासी की पुष्टि नहीं करते हैं तो लेन देन स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। एक बार लेन देन प्रोसेस हो जाने पर आपको अपने वॉलेट में टोकन प्राप्त होंगे, इसलिए हम एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन करने से लेकर यूल्टिमा टोकन खरीदने और निकासी तक हर तरह से आपके साथ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस गाइड का अध्ययन करने के बाद आपके मन में प्रक्रिया के बारे में कोई सवाल नहीं होगा, और यदि आपके पास अभी भी सवाल हैं तो आप उन्हें हमेशा हमारी सपोर्ट सर्विस को भेज सकते हैं।